स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का साइंस का 4 मई का चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फॉय हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। आज हमारा टॉपिक है वैक्सीन। व्हाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन, पहली पूछ रही है कि छोटे बच्चों के इतने सारे वैक्सीन यानी कि टीके क्यों लगाए जाते हैं। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। The body also remembers how to fight the microbe if it enters again. अगर कोई disease causing microbes हमारी body में enter करता है तो हमारी body उससे बचने के लिए antibodies बनाती है, तो और ये body जो है ये उसे आगे तक याद रखती है अगर वो disease causing microbe दोबारा हमारे शरीर में आ जाता है तो। So if dead and or weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies. तो अगर डेड और वीक माइक्रोब्स हमारे बॉडी में डाले जाएं हेल्दी में, तो बॉडी उनसे फाइट कर लेती है, और अगर कोई असली का माइक्रोब भी आ जाता है तो उसको भी वो मार देती है। The antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes. जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो पूरे ज़िंदगी के लिए हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें उन माइक्रोब से बचाती हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स, यही तरीका है कि कैसे एक वैक्सीन काम करती है। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारे डिजीजेज जैसे कि देखिए कोलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, ये सब वैक्सीनेशन से प्रिवेंट की जा सकती हैं। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज। कैन यू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आजकल वैक्सीन बहुत चलन में हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है जिससे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दी जाती हैं जो कि एक तरह की वैक्सीनेशन ही है, और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन से भी स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया में ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से और भी वैक्सीन्स हैं जिनकी आप लिस्ट बनाएंगे। आपका होमवर्क भी है कि आपको छोटे होते जब आपको कौन कौन सी डिजीज़ की वैक्सीनेशन दी गई थी, आपका आज का होमवर्क आपको ये करना है। आगे है इंक्रीजिंग सॉयल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉयल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड माइक्रोबल बायोलॉजिकल ने नाइट्रोजन फिक्सर्स। ऐसे कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को फिक्स करके सॉयल को फर्टाइल बना देते हैं, यानी कि सॉयल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं। इन्हें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहा जाता है। आगे है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके आपको कुछ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स दिखाई गई हैं। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, बुजू एंड पहेली हैज ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलोंग विद देयर फ्रेंड्स द कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज एंड गार्डन्स। दे पुट दैम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। आफ्टर सम टाइम इट डीकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर। बुजू एंड पहेली वॉन्टेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन्ड। तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो हम देखते हैं। खाद कैसे बनती है, कोई भी एनिमल या प्लांट वेस्ट जो होती है उसे एक पिट में डाल दिया जाता है, जिसे कि हम लंबे समय तक उसके अंदर रहने दें तो हमें मैन्योर मिल जाती है। तो बुजू और पहेली इसका प्रोसेस जानना चाहते हैं। ये एक्टिविटी है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं।
इसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। द प्लांट वेस्ट हैड बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन द प्लांट्स अगेन। तो जब ये मैन्योर बनते हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं जो कि आप प्लांट्स के लिए दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको ये उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। डू यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथिन बैग्स एम्प्टी ग्लासेस ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम एंड कन्वर्ट दैम इनटू मैन्योर। देखिए प्लास्टिक है वो मैनमेड है, ग्लासेस हैं, इन सब पे माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते। यू हैव ऑफन सीन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन अ फॉर्म ऑफ decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that it disappear after some time. This is because the microorganisms decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. आपको लगता होगा कि आपने decaying plants या फिर कुछ और dead animals को ground पे पड़े देखा होगा, बहुत सारे आपने इधर उधर कोई मरा हुआ जानवर और पेड़ देखा होगा। आपको ये notice करना चाहिए कि कुछ समय बाद वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि जो सॉयल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो उन्हें डीकम्पोज कर देते हैं, वो उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में बदल देते हैं जो कि मिट्टी के साथ ही घुल मिल जाते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड दी हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेज एंड देयर बाय क्लीन अप दी एनवायरमेंट। देखिए इससे हमें पता चलता है कि वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। तो आज हम हमारा चैप्टर इतना ही रीड करेंगे। आज आपका वर्क आपको लिस्ट बनानी है जो आपकी वैक्सीनेशन लगाई जाती थी बचपन में, और एक आपका आज का वर्क आपकी कुछ एक्टिविटी होगी उसकी पिक आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी।